ये हमारी श्रद्धा फाउंडेशन है। श्रद्धा फाउंडेशन पिछले 2004 से काम कर रही है कैंसर पेशेंट के लिए, और हमारे अलग अलग तीन जगह पे हमारा शेल्टर होम है, जहाँ पे हम एट ए टाइम 75 पेशेंट्स रखते हैं और उनके अटेंडेंट मिलाएंगे तो 160 के करीब लोग रहते हैं। उस चेंबूर में हमारा ये शेल्टर होम है, खैरगर में है और परेल में भी है। और पेशेंट अभी फ़िलहाल जितने हैं हमारे यहाँ पे, अभी टोटल 20 पेशेंट्स हैं यहाँ पे और उनके अटेंडेंट मिला के 48 लोग हैं। बट पेशेंट ज़्यादा रहते हैं, लेकिन हम क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम अभी बाहर से जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हम अभी अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी बोला है कि क्योंकि सतर्क रहना है सबके लिए, सबका जो शरीर का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सोसाइटी के लिए भी और संस्था के लिए भी और पेशेंट लोगों के लिए भी। लायंस क्लब ऑफ चेंबूर हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से आते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पेशेंट लोगों के लिए अनुदान करके जाते हैं। लास्ट टाइम भी उन्होंने दिया था और इस टाइम में हमें पूछा गया कि भाई आपको कुछ अनाज वगैरह चाहिए, तो हमें बोले नहीं, हमें अनाज तो हमारे पास आता है। बट इस समय जो सबसे ज़रूरी था मास्क और सैनिटाइज़र, सो उन्होंने हमें जितना हो सका उन्होंने प्रोवाइड किया है, उसके लिए हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद सर। देखिए, जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके अ लॉट ऑफ पीपल आर फाइटिंग इट इन देयर वेरियस डिफरेंट वेज। हम नॉर्मल सिटीजन्स तो इसको अपने तरीके से फाइट कर रहे हैं कि हम घर में बैठें, आइसोलेट हों। हमारे अलावा कैंसर पेशेंट्स हैं, काफ़ी कैंसर पेशेंट्स हों मैं चेंबूर में, अब उनके लिए दिक्कतें हमारे से बहुत ज़्यादा हैं। एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, एज लायंस, एज मेंबर्स ऑफ लायंस क्लब चेंबूर विच हैज़ बीन सर्विंग द कम्युनिटी फॉर द पास्ट 61 ईयर्स नाउ, इट इज़ अ ड्यूटी टू फाइंड आउट इफ वी कैन गो बियॉन्ड अवर नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज एंड हेल्प देम इन व्हाटएवर दे वी कैन। सो वी बीन अप्रोचिंग वेरियस कैंसर होम्स एंड ऑर्फनेजेस इन चेंबूर to be able to find out in the next 3-4 days what we can do, especially in terms of food grain donation and anaj dan. We called up sir in the morning and he said as of now the stocks of food grains are enough. If they could possibly be helped for with mask and sanitizer, because a cancer patient ke liye mask is his biggest protection. Ek normal aadmi ko to problem hai, but a cancer patient ke liye wo bahut double zaruri hota hai. They were in shortage of mask and sanitizers, so we have ordered a lot of them which will be available in the next 4-5 days. But he said whatever is available today, you please get it, so that at least in the next 3-4 days we can manage and then the bigger stock can come. So whatever was available at this point of time, we've got it, and we are very fortunate to be able to come and serve these people here. And besides that, there's also another responsibility of meeting these cancer patients once in a while, talking to them and boosting their morale. That itself goes a long way in the healing process, so that they don't feel isolated. And I guess whatever jo bhi ban payega Lions Club Chamur ki taraf se in cancer patients ki seva mein, hum zarur karenge aur hamesha karenge.